वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो चलिए हम लोग अपने इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे होगा क्या कि इस तरह की जो भी अपडेट्स आएंगे आपको जल्द से जल्द मिल पाएंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक में 2986 शिक्षकों की भर्ती जल्द शुरू होंगी। ये लास्ट अपडेट है फ्राइडे 5 जून 2020 9:48 की। ओके, बिहार में राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में 2986 शिक्षकों और प्राचार्यों की नियुक्ति शीघ्र होने जा रही है। योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाने को लेकर नियुक्ति के विज्ञापन का प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है और अलग अलग 3 दर्जन विज्ञापनों में 2986 पदों के लिए जारी होने हैं। इन प्रारूप पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदन दिए जाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। तो मतलब ये जस्ट आने ही वाली हैं, तो 15 जून तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। यह राज्य में पहली बार राज्य में राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में इतने बड़े पैमानों पर शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। गौरतलब हो कि राज्य में अभी 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और 44 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में से 19 में पढ़ाई पिछले शैक्षणिक सत्र मतलब 2019 से 20 में ही शुरू हुआ है। वर्तमान में इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 870 नियमित और 102 संविदा शिक्षक हैं। वहीं तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम के तहत 205 शिक्षक इंजीनियरिंग कॉलेज में सेवा दे रहे हैं। तो मंत्री जी ने भी बोला है कि जल्द से जल्द इसको प्रकाशित किया जाए और जल्द से जल्द इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी पदों पर शिक्षकों और प्राचार्यों की नियुक्ति होनी सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में नए संस्थान स्थापित हुए हैं। इसके लिए अधिक से अधिक शिक्षकों की ज़रूरत है ताकि सुचारू ढंग से संस्थान चल सके। इसी को देखते हुए इन पदों का सृजन कर नियुक्ति के लिए बीपीएससी को अधियाचना भेजी गई है। अधियाचना भी चला गया है, डिपार्टमेंट से अधियाचना भी बीपीएससी को चला गया है। बीपीएससी के द्वारा ही वैकेंसी क्रिएट होगी और इसकी वो एग्जामिनेशन होनी है। तो आप लोग अब सतर्क हो जाएं, तैयार रहें, पढ़ाई पर ध्यान दें और रेगुलर रहें, कंटिन्यू रहें। लॉकडाउन का समय भी है, सेफ से रहें, सुरक्षित रहें जहाँ भी हैं, और पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड धन्यवाद। हमारे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, एजुकेशन हब फॉर ऑल। और एक लाइक अगर हो तो, आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें। चलिए, सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। धन्यवाद।